उसको देने से पहले मेरे को कॉल किया, जो एक बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। अब कॉल किया उस मेरे फ्रेंड ने, कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने उसको क्लियर कर दिया कि वो मैं नहीं हूँ, कोई स्कैमर है, स्कैमर है, उसको ब्लॉक कर दो। तो उसके बाद उसने ब्लॉक किया, फिर से वो जो USDT को से सिनवर्स में कन्वर्ट किया और उसको स्टेक कर दिया, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों कि एक हमने उस दोस्त की समझदारी है, उसने कम से कम एक बार कॉल कर दिया। कुछ लोगों के पास मेरा नंबर नहीं होता, तो नंबर नहीं होता तो वो लोग कैसे मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे? वो तो देखेंगे क्रिप्टोनिक वन इंडिया के जो एडमिन साहब हैं उनका मैसेज आया है और ऐसे ऐसे वो पैसे मांग रहे हैं, $20 मांग रहे हैं, दे देता हूँ, क्या पता मेरा कोई भला हो जाए। लोगों सच बात बताऊं, जो लोग 20, 25, 30, 50, $500 आपसे मांगते हैं, वो कभी भी भला नहीं कर सकते। चाहे वो सब्सक्रिप्शन, वो नॉलेज अगर आपके पास होगी तो ही आपका भला होगा, ठीक है। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में जिसकी जितनी नॉलेज होती है तो ही भला होता है, ठीक है। तो इस टाइप के मैसेज आपके सामने आए, कोई पैसे की डिमांड करे, ठीक है, चाहे उसमें सेम टू सेम मेरा नाम हो और मेरी दिखने जैसी आईडी भी हो, ठीक है, तब भी आप किसी को पैसे नहीं देंगे। बिकॉज जो वीडियोस बनाते हैं, जो जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, उनका जो मकसद होता है किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं होता, क्योंकि अगर हाथ फैलाना ही होता तो वो यूट्यूब में वीडियो क्यों बनाते, इतनी मेहनत क्यों क्यों करते। आपको पता नहीं है शायद कि वीडियो यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं वो भीख नहीं मांगते, किसी से पैसा नहीं मांगते, वो मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हैं। जो वीडियोस के अंदर वो इतना पैसा मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो लोग जो है कभी भी पैसा नहीं मांगेंगे आपसे। और ना ये जो बंदा क्रिप्टोनिक वन इंडिया लिखा हुआ है, ना ये जो बंदा सेम है, इसने क्या किया है, कॉपी कर लिया, जो नाम है सेम टू सेम नाम लिख दिया और ये लोगो कॉपी कर लिया और अपने लोगों के अंदर ये अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। टेलीग्राम में बहुत चीज़ें आसान है दोस्तों, तो कभी भी इन चीज़ों के चक्कर में मत आना। कोई भी पैसा मांगता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है, जैसे कि मेरी जो आईडी है वो देखो ये वाली है सबसे ऊपर की आईडी। तो स्कैमर क्या करता है, स्कैमर ने क्या किया, दिस इज राइट लिखा हुआ, राइट, तो ये जो राइट लिखा हुआ है @शेफकुमार2000, तो @शेफकुमार2000 लिखा हुआ है, लेकिन स्कैमर ने क्या किया था, सुबह @शेफकुमार2000 लिख दिया, तो एस इसमें जोड़ दिया, ठीक है, एक लेटर और जोड़ दिया, तो ऑलमोस्ट ये चीजें सिमिलर लग रही है, तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा इसके ऊपर, ठीक है, ये रॉन्ग है। अब इसके अलावा क्या कर सकता है, शेफ कुमार का सी बड़ा है, सबसे ऊपर का देखोगे इसका सी बड़ा है, ये जो लेटर है वो कैपिटल में है, तो वो जो स्कैमर क्या कर सकता है, एट के बाद सी लिख सकता है, ये सी है जो छोटा लिख सकता है, ऐसे ही कोई भी लेटर छोटा बड़ा करके, जैसे ये भी है, इसमें एक शुरू का जो लेटर है ई की जगह ए लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे भी कर देगा तो आपको पहचान में नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट ये सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं। और ये भी जो है, जो इसमें जो इस वाले में देखते हैं CHEF, इसमें के बड़ा कर दिया, ठीक है, इसमें के बड़ा कर दिया, तो ये वाला और ये वाला आपको एक जैसा लग रहा होगा, इसमें के बड़ा है और इसमें के छोटा है, तो ऐसे ही किसी ना किसी में, इसमें भी जो है इसमें भी के बड़ा है, इसमें एफ बड़ा कर दिया, कैपिटल कर दिया, इसमें कुमार्स कर दिया, एम बड़ा कर दिया, एम कैपिटल कर दिया, और इसके अंदर यू बड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम में स्कैम करना इजी होता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा कंफर्म करना है, ऐसे पैसे किसी को भी नहीं देने, हमेशा कंसर्न पर्सन को कॉल करना है कि फाइनल बताइए। आप ग्रुप में भी बात कर सकते हो, जो पैसे ले रहा है या मांग रहा है वो पर्सनल में क्यों आ रहा है, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, पर्सनल में वो इसलिए पैसे मांग रहा है किसी से कि भाई उसको कुछ ना कुछ स्कैम करना है, नहीं देना है, कुछ भी है, आप ये सोच के चलो कि ठीक है, जो रियल बंदा है ना उसके ऊपर भी पूरा पूरा शक करो, कहीं ये फेक तो नहीं है। तो टेलीग्राम में एक बार पैसे गए, मोस्ट ऑफ द जो पर्सन है, लोग हैं, अपने पैसे गवा चुके हैं इसके अंदर, तो प्लीज आप मत गवाइएगा कभी भी। ये चीजें आप लोगों को चेक करने के बाद भी आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, आप सोचोगे ये सब तो एक जैसे ही है, आप ये सोचोगे ये लिखा हुआ है ये और ये तो एक जैसे ही है और ये तो सेम बंदा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पैसे दे देता हूं मैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ छूट सकते हैं, आप ह्यूमन है, ह्यूमन मिस्टेक करते हैं,
तो आप फिर भी ये जो कंसर्न पर्सन है ये है या कोई और है या कोई और भी यूट्यूबर है, कोई भी एनी वाई एक्स वाई जेड टेलीग्राम के ऊपर है, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर स्कैम करना एक तरह के से जो ना बहुत इजी कर दिया गया है। जो स्कैमर बंदे होते हैं वो खुद से आज मुझे खुद एक मैसेज आया, मैं आपको बताऊं कि किसी ने मुझे बोला, किसी मेरा जो फ्रेंड की आईडी करके मुझे बोलता है कि आप मेरे ग्रुप में एडमिन बना दो, मुझे मैं फ्री में काम करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा यार ठीक है बंदा तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इसको मैंने सोचने लग गया था। मैं ये लगा लो एज ए यूट्यूबर भी मैं सोचने पे मजबूर हो गया। उसने बात ही कुछ इस तरह की, और क्या हाल है, इस तरह से की बात की मैंने मुझको पता नहीं चला कि ये मेरा वही दोस्त है कि कोई वो अलग कोई बंदा है। तो उसने मुझसे ऐसे बात करी, और क्या हाल चाल है, और बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं, तो मैंने इस टाइप से बात करी, तो मैं सोचा ये तो मेरा दोस्त ही है। ठीक है, लेकिन जब उसने ये बोला एडमिन, मैंने कहा पैसे तो मांग नहीं रहा है, एडमिन बनने के लिए कह रहा है। तो अगर वो एडमिन बन जाता बंदा, तो हमारे ग्रुप में अगर एडमिन बन जाता तो कितनों का नुकसान हो सकता था, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो वो बंदा फ्री में भी काम करने के लिए तैयार था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को क्या किया, मैंने आप अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे जैसे ये बंदा है, जैसे ये गौरव महेश्वरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हो, जीएम के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे कोई बंदा है जो पैसे मांग रहा है आपसे, उसके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है आपने। ठीक है, जैसे प्रोफाइल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे आर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे लिख लिया हमने, और लिखने के बाद यहाँ पे एक ये जो लोगो आ गया, और यहाँ तो फोन का लोगो आया। ठीक है, आप चाहो तो इसको फोन करके पूछो, सबसे पहले वो आपके ग्रुप में होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब वो ग्रुप में नहीं हो। ठीक है, और जिसने आपको मैसेज ऑलरेडी डाला है और जो ग्रुप में भी है, तो ग्रुप वाले पे क्लिक करके आपने क्या करना है, देखना है क्लिक करके कि यहाँ पे जो वो सेम टू सेम चैटिंग हिस्ट्री आ रही है कि नहीं आ रही। अगर यहाँ पे चैटिंग हिस्ट्री नहीं है उस बंदे की, समझ लो कि वो स्कैम है। ठीक है, तो किसी की भी, जैसे कोई भी आपको एक्सपायर्ड बंदा शेफ कुमार 2000 या मेरी आईडी वगैरह से कहीं से भी क्रिप्टोनिक वन इंडिया से आपको कॉल करता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ग्रुप में आना है। ठीक है, ग्रुप में आना है, ये वाले ग्रुप में। ठीक है, जो भी बंदे ने, इवन मैंने भी वो आपको अगर मैसेज किया है, तो आपने क्या करना, मेरी आईडी पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे समझ लो ये मेरी आईडी है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वो देखना है कि यहाँ पे वो हिस्ट्री आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, ये देखो, ये हमारे दूसरे एडमिन ने भी एक रिकॉर्डिंग का भेजा है हमें, तो वो रिकॉर्डिंग का भी इसमें सारा है कि यहाँ पे वो सारी चीजें इनसे मांग रहा है, पैसे वैसे तो मांग रहा है, तो सारी रिकॉर्डिंग उसने मुझे भेजी दूसरे एडमिन ने भी, क्योंकि उसको पता है कि ये दूसरा एडमिन आपस में यार दोस्त तो होंगे, तो उससे पैसे मांगे इसने, वो समझ गया, वो स्मार्ट है, वो समझ गया। तो कहने का मतलब है, हमेशा ग्रुप में आके आपने क्लियर करनी है चीजें, और ये करने के बाद यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखो हिस्ट्री है कि नहीं, यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब वो सिंपल स्कैमर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसके बाद कॉल भी करना है उसको, जैसे ये वाला बंदा है, अगर कोई कोई भी एक्सवाइट बंदा है, तो यहाँ पे कॉल का बटन है। ठीक है, यहाँ पे कॉल करनी है सीधा उसको, उससे बात करनी है, या ग्रुप के अंदर ही डिस्कशन करना है, सर क्या आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपका मैसेज आया है मेरे पास, तो ये क्लियर करके आंसर जब तक नहीं देता, किसी को पैसे नहीं देने। और वैसे भी आप लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हो, किसी को पैसा देने के लिए नहीं आए। ठीक है, कभी भी किसी को पैसा नहीं देना, और जो भी लोग ये काम करते हैं उनको किसी ना किसी की, और लूटेंगे किसी को, हाय तो ऑफकोर्स लगेगी लगेगी, उनका पैसा भी नहीं रुकने वाला, लेकिन फिर भी आप अपना पैसा किसी को देना मत, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। ठीक है, कभी आपको क्या लिंक आ जाएगा उसके अंदर, ईमेल के अंदर, और लिंक को क्लिक करोगे और अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे, तो वहीं पे आपके पैसे चले जाएंगे। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए, खुद भी सेफ रहिए, और अपने दोस्तों को भी सेफ करके रखिए, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स को सेफ करके नहीं चलोगे ना, तो आपका जो एक मार्केट में एक इमेज है ना, वो कभी बन नहीं पाएगी। अगर आपको नॉलेज है पूरी दीजिए, कोऑपरेट करिए, कितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो कोऑपरेट करिए, और ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, कभी भी क्रिप्टोनिक वन में कोई भी एडमिन है, कोई भी पैसा, या कोई भी ग्रुप में कोई मेंबर्स है, एक दूसरे से पैसा अगर मांगता है, सेम आईडी होगी जब भी वो पैसा मांगेगा, क्योंकि वो स्कैमर है।
वो उससे थोड़ा सा बच के चलना है, ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ, लोग कह तो देते हैं भाई बच के चलो वीडियो, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स वीडियो नहीं बनाते, बट मैंने स्पेशली यही वीडियो बनाया है, आपने चाहे देखना हो चाहे नहीं देखना हो वो एक बात अलग है, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर न्यू कमर्स हो आप तो ये वाली ट्रिक अपनाना, ठीक है, कंफर्म करना, और पैसा वैसे भी किसी को ना देना, एक बनिया बन जाओ, ठीक है, ये बनिया जो होता है ना वो बिजनेस में बहुत तेज क्यों होता है, सबसे पहले अपना पैसा कहीं देता नहीं है बेफालतू में, कहीं पे फंसाता नहीं है, चार बार चीज देख लेता है, ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है वो बिजनेस में माइंड होता है, नॉलेज जहां मिले वहां पे पैसा खर्च करता है, तो वो बनिया बन जाओ क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और अपने पैसे को भी बढ़ाओ और लोगों को भी अच्छी गाइडेंस दो, दैट्स इट, यही चीज है आपके लिए रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्रिप्टोनिक वन करके या मेरी आईडी से शेफ कुमार 2000 से कोई भी शेफ का सी बड़ा है, याद रखना, ठीक है, कोई भी बंदा आपको करता है, कहता है पैसे दे दो, यू नो कोई भी डिमांड करता है किसी भी चीज की, कुछ भी लिंक पे क्लिक करने के लिए भी बोलता है, तो कभी ना करें, कंफर्म करें सीधा मेरे से या कोई और दो बंदा है उससे करें, सीधा ग्रुप में आपके बात करें, और अगर आपको सही लगे वीडियो तो ये मेरा ग्रुप है क्रिप्टोनिक वन इंडिया करके है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा जो लिंक है ऑलरेडी, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।